बिहार समेत विभिन्न राज्य जो पिछड़े हैं उनको ऐतिहासिक रूप से उनके साथ अन्याय किया गया है, ये तो पढ़िएगा नहीं, मोदी जी के डरे नहीं पढ़िएगा इसको, जैसा के डैडी के डर से नहीं पढ़िएगा। कुछ लोग बिहारी नहीं है, ये पहले वाजपेयी ब्रिटिश काल से बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है। आर्थिक सर्वे में पेच लगाते हैं तो संविधान के 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए, इस पर भाजपा बोले हाँ या ना, हाँ या ना बोलिए सीधा। आपके डिग्री भी नहीं दीजिएगा, स्पेशल स्टेटस भी नहीं दीजिएगा, इसका मतलब स्पेशल पैरल पर राम रहीम को रिहा कर दीजिएगा, ये तो बिहार के साथ। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, इस दौरान बिहार भाजपा के तमाम नेताओं पे करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्पेशल स्टेटस की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन ये लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं। ये लोग बार बार रघुराम राजन कमेटी की बात करते हैं, लेकिन रघुराम राजन कमेटी में क्या कहा गया है? रघुराम राजन कमेटी ने ये कहा है कि बिहार समेत पिछड़े राज्यों के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन ये लोग तो उसको पढ़ेंगे नहीं। ये लोग मोदी के डर से और जय शाह के डैडी के डर से उसे पढ़ेंगे नहीं, उसे बताएंगे नहीं। आइए सुनते हैं नीरज कुमार ने क्या। पार्टी के प्रवक्ता हिमराज राम जी, अनुप्रिया जी, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, पिछले कुछ एक दिनों से बिहार की राजनीति में विशेष राज्य का दर्जा एक महत्वपूर्ण विषय बनकर के उभरा है। कुछ लोग बिहारी नहीं है, ये पहले भाजपाई है, तो हम उन बातों की चर्चा करना चाहते हैं कि आजादी के बाद वंचित समुदाय हो, अल्पसंख्यक हो या पिछड़े भौगोलिक क्षेत्र हो, इसके विकास के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किया गया। विशेष प्रावधान जिसे जाति के रूप में चिन्हित किया गया, एससी एसटी समुदाय को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग पिछड़े हैं तो इनको विशेष अवसर मिलना चाहिए, ओबीसी के लोग उनको शैक्षणिक आर्थिक और ऐतिहासिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको संरक्षित करने की बात हुई, अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष अधिकार दिया गया और विशेष आधार पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल स्पेशल कैटेगरी विशेष श्रेणी का राज्य बनाया, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विशेषाधिकार के साथ संविधान की धारा अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा भी दिया गया। कुछ राज्य को तो स्पेशल कैटेगरी और स्पेशल स्टेटस दोनों मिला, जैसे जम्मू कश्मीर को, नॉर्थ ईस्ट को, और बार बार यह कहा जाता है कि फलाने क्यों नहीं दिया, उसने क्यों दे नहीं दिया, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। हम वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहते हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं, ब्रिटिश काल से बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है, तो क्या आप बिहारी हैं, आपकी बिहारी अस्मिता नहीं जागती है? ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि ब्रिटिश काल में अगर बीमारू राज्य की ही तुलना की जाए तो बिहार को 100 रुपया मिलता था, मुंबई को 374 रुपया, ये 1877 का आंकड़ा है, पंजाब को 244 रुपया, मध्य प्रदेश को 185 रुपया, उत्तर प्रदेश को 140 रुपया और बिहार को मात्र 100 रुपया। यह ब्रिटिश काल से बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है, 1927-28 का आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए, बॉम्बे को 411 रुपया, नहीं कहा जाता कि फला के राज में नहीं मिला, फला के राज में नहीं मिला। यह स्पष्ट करे, जाति गणना का तो श्रेय ले रहे हैं तो इसका श्रेय क्यों नहीं लेते विशेष दर्जा का? और
बार बार ये बोलते रघुराम राजन कमेटी के बारे में। अरे ये रिपोर्ट का ये कमेटी कब बनी थी? 2007 में, 2013 में इसकी रिपोर्ट आई, 2015 में इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ। कमीशन बनता है, उसकी अनुशंसाएं आती हैं, लागू करने का क्षेत्राधिकार आपका है। रघुराम राजन कमेटी ने क्या कहा था कि बिहार समेत विभिन्न राज्य जो पिछड़े हैं उनको ऐतिहासिक रूप से उनके साथ अन्याय किया गया है। ये तो पढ़िएगा नहीं, मोदी जी के डरे नहीं पढ़िएगा इसको, जैसा के डैडी के डर से नहीं पढ़िएगा, क्यों? पढ़ लेंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे। और अगर ये हम ये कहना चाहते हैं तो ये इसका श्रेय क्यों नहीं लेते हैं? और अगर जाति गणना का श्रेय ले रहे हैं आप, कहते हैं कि हम जब कैबिनेट में थे तब निर्णय हुआ था, जाति सर्वे में पेच लगाते हैं तो संविधान के 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए, इस पर भाजपा बोले हाँ या ना? हाँ या ना बोलिए सीधा कि केंद्र सरकार संविधान के 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करेगी या नहीं। बिहार बीजेपी के सांसद है दिल्ली में, एक बार पुण्य का काम कर लीजिए। अगर दलित के, पिछड़ा के, समाज के गरीब वंचित तबके के आप समर्थक हैं तो आरक्षण की सीमा तो हमने बढ़ा दिया, लेकिन भाजपा यह स्पष्ट करे और घोषणा करे, नरेंद्र मोदी से मांग करे और इसको लागू करवाए कि संविधान के 9वीं अनुसूची में जो तयशुदा आरक्षण की सीमा है उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। साथ ही साथ गुजरात के 9 जिला को 371 के तहत मिला हुआ है 1949 से, कब तक रहेगा? हमको कब तक नहीं मिलेगा? स्पेशल कैटेगरी भी नहीं दीजिएगा, स्पेशल स्टेटस भी नहीं दीजिएगा, इसका मतलब स्पेशल पैरोल पर राम रहीम को रिहा कर दीजिएगा। ये तो बिहार के साथ घोर भेदभाव का मामला है, इसलिए पहले बिहारी बनिए और बिहार के साथ ब्रिटिश काल से पक्षपात होता रहा है। और भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि चुनाव के समय इनको याद पड़ता है। अरे बाबा रामदेव के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी कड़ी टिप्पणी उन पर किया है, लेकिन भूल गया, आपको भूलने का बीमारी हो गया क्या भाजपा को? तो आपने सुना नीरज कुमार सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये लोग मोदी के डर से और जय शाह के डैडी के डर से कभी ये पढ़ेंगे नहीं कि रघुराम राजन कमेटी का क्या फरमान था, क्या रघुराम राजन कमेटी ने क्या कुछ कहा था। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बतौलाबाजी करेंगे और सिर्फ इस तरीके का बयान देंगे, क्योंकि अगर बात की जाए तो गुजरात समेत, कश्मीर समेत कई राज्यों को स्पेशल स्टेटस मिल चुका है, तो फिर बिहार को क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये लोग बार बार सिर्फ रघुराम राजन कमेटी की बात करते हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।